क्या आप दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में जानते हैं, जहां से हमारी सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है? यहां हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दरअसल हाल ही में सामने आया है कि 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था। तो देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता के खत्म होने की असली वजह क्या थी। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। बता दें, ये हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर के किनारे हुआ। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। बताया जाता है कि 1856 में जॉन विलियम ब्रंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए कुछ खंडरों की खुदाई करवाई और खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के अवशेष मिले, जिसके बाद इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। क्यों पड़ा इंडस वैली नाम? इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1921 में इस जगह की खुदाई करवाई, जिसके बाद मोहनजोदाड़ो में बने एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला, जिससे एक बात सामने आई कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारों तक ही सीमित है, जिससे इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उनके नाम हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से सही अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिनके नाम हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। खुदाई में मिलने वाली चीजें। मोहनजोदड़ो नगर से जो मानव मूर्तियां मिली हैं, उनमें से दाढ़ी युक्त सिर विशेष उल्लेखनीय हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। इनके अलावा यहाँ से 1398 मोहरे भी मिली हैं, जो कुल लेखन सामग्री का 56.67% हिस्सा हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शैल खड़ी से बना 19 सेंटीमीटर लंबा पुरोहित का धड़ है और 14 सेंटीमीटर का चूना पत्थर से बना एक पुरुष का सिर भी। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा पर एक आकृति है, जिसका आधा हिस्सा मानव का है, आधा भाग बाघ का। एक सिलबट्टा और मिट्टी का तराजू भी खुदाई के दौरान मिला। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला, जो प्रमुख स्मारक है। उसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसमें दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे सूरज की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। खुदाई में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था। इन सब के अलावा यहाँ की और भी खासियत है। रेडियो कार्बन पद्धति से इस सभ्यता का समय 2300 से 1750 माना गया है। कृषि और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था। वे गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर और अनार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में 700 चिन्ह अक्षर होते थे, जिनमें से 400 के बारे में जानकारी मिली है। विनाश कैसे हुआ? लगभग 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वैज्ञानिक खोज करने में लगे हैं, जिसमें सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। मैसाचुसेट्स के वुड्स होल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता उस ऐतिहासिक घटना को आज के मौजूदा दौर से भी जोड़कर देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से शहर से लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है, वहां बहुत कम ऑक्सीजन है। बताते हैं कि सर्दियों में वहां मॉनसून उग्र होता था, जबकि गर्मियों के दौरान वहां सूखा पड़ता था। 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना नामुमकिन हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई हजार साल पहले जलवायु परिवर्तन के चलते सिंधु घाटी सभ्यता में बसे लोगों को मजबूरन आधुनिक शहरों को छोड़कर दूर जाना पड़ा। बताया जाता है कि वहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमी बारिश होना बंद हो गई थी,
जिसके बाद सिंधु वासियों को हिमालय की कम ऊंची चोटियों पर डेरा डालना पड़ा। यहाँ वे लोग गांव बनाकर रहने लगे, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे पानी की आपूर्ति खत्म होने लगी, जिससे इनकी सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता आधुनिक कांस्य युग के दौरान पनपी। दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने चरम पर रही। बता दें कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार था। अपने चरम पर इस सभ्यता की आबादी 50 लाख से ज्यादा थी, जो उस समय दुनिया की आबादी में 10% हिस्सेदारी थी। बेमिसाल थी बनावट। कहते हैं कि दुनिया ने पहला आधुनिक शौचालय यहीं देखा। आधुनिक नगर नियोजन की प्रणाली इसी सभ्यता में मिली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की बसावट बहुत नियोजित थी, जहां कुओं से सभी घरों को पानी की आपूर्ति की जाती थी और गंदे पानी को ढके हुए नालों में बहा दिया जाता था। जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि इसे दुनिया की पहली साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ी प्रणाली माना जाता है। शहरों में नगर निकाय भवन, बाजार, अनाज गृह, भंडार गृह बने थे। शहरों को बाढ़ और हमले से रोकने के लिए ऊंची और सुरक्षित दीवारें बनाई गई थी। तो देखा आपने अपने समय की कितनी अद्भुत और आधुनिक थी सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे तहस नहस कर दिया। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो उससे हमारा हश्र कैसा होगा। दोस्तों, हमें भी ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम भी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह खाक में मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।